जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत नजीर। आज है 6 अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अब हम लीगल केसेस की जानिब जा रहे थे और लीगल केस इनके ऊपर जो पहला लगने जा रहा है, और आप यकीन जाने ओपन एंड शट केस होगा वो। और आप लोगों ने भी जिस जिस इंसान ने इस केस की मदद लेनी हो तो वो इस पेपर को समझ जाएगा। आज जो टोटल हमारी जो वर्किंग है, जो ये टोटल वर्किंग है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कमांडर बिल्डर एंड डेवलपर ने जो पेपर हासिल किया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, ये हमारे केस की बुनियाद बनेगा। और जब आप इस केस के अंदर या इस पेपर को मैं आपको पूरा का पूरा रीड करके बताऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कमांडर बिल्डर में जो कमांडर साहब हैं, ही इज नॉट ओनर, वो तो ओनर ही नहीं है। ओनर कुछ और लोग हैं, और ये सामने आके उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जिसके अंदर मेनली दो ओनर होंगे, टोटल 5,000 रुपए के अंदर वो पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई। कमांडर बिल्डर एंड डेवलपर कंपनी जब आप देखेंगे कि भाई सिंगल मेंबर कंपनी क्यों बनाई गई, तो आप समझ जाएंगे कि ये कहानी तो शुरू से ही, जब शुरू की गई तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी आइडिया था कि यार फ्रॉड किए बगैर ये बेचेंगे नहीं। और जब आप इसी क्लॉज पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये बात पहले से जानती थी कि जब तक ये लोग मटेरियल फैक्ट्स को छुपाएंगे नहीं तो ये प्रोजेक्ट बेचेंगे नहीं। और कल को अगर सिंध की आवाम हमारे पास आती भी है तो हम बता देंगे कि भाई जैसे ही इन्होंने वायोलेशन करनी है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरी की पूरी कमांडर सिटी किसी भी वायोलेशन की सूरत में सस्पेंड कर दी जाएगी। अब जो हमारा केस होगा वो 3 लोगों के अगेंस्ट में जाएगा, और वो 3 लोग कौन है, और उन 3 लोगों में मैं अगर कोशिश करूं हायरार्की के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले हम ओनर्स का जिक्र करेंगे। कमांडर सिटी के अंदर ये साहब जो कमांडर कमांडर अपने आप को बता रहे होते हैं तो लोग कंफ्यूज ये होगा कि भाई कमांडर सिटी है तो उसमें जो कमांडर जाकिर साहब हैं वो जब कहते हैं कि भाई मैं कमांडर जाकिर चेयरमैन हूं, वो कमांडर बिल्डर के चेयरमैन है। जो वो सही फरमाते हैं कि भाई तुम मुझे बिल्डर क्यों समझ रहे हो, मैं तो डेवलपर हूं। बड़ा क्लियरली इस लेटर को अगर कोई अंडरस्टैंड करेगा तो मैं जरा सा इसमें बताऊं कि जो हमारा केस है वो 3 लोगों के अगेंस्ट में जाएगा। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पहले से ये बात मालूम थी तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूं जी। इसके जो ओनर्स हैं, पहले मैं ओनर्स की बात कर लेता हूं। कमांडर सिटी में कमांडर साहब इज नोबडी, नोबडी, वो कोई है ही नहीं। वो सिर्फ एक जैसे इंसान, एक एम्प्लॉई रखता है, एक मुलाजिम रखता है। तो जो ओनर्स हैं, रियल ओनर्स, जिनको मैं आज की तारीख में ये कहूंगा कि वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करें और वो खुद कमांडर सिटी की बागडोर संभालें, प्रोवाइडेड कि वो चाहते हैं, अदरवाइज उन पर भी केसेस लगाए जाएंगे। और हम लगा रहे हैं, हम जो केस लगा रहे हैं वो उसके अंदर 3 लोगों के अगेंस्ट में, वजाहत नजीर अहमद चौधरी वर्सेस। तो इस तरह जब आप भी केस लगाएंगे तो 3 लोगों के अगेंस्ट लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि ओनर्स के नाम मैं आपको बता दूं, मिस्टर मिर्जा हामिद महमूद बेग, सन ऑफ मिर्जा इशरत महमूद। और दूसरे जो ओनर हैं, जो ये अब मैं मेनली ओनर्स का बता रहा हूं, दूसरे हैं फरीदुल्ला खान, सन ऑफ सईदुल्ला खान। इनको SBCA में ओनर्स डिक्लेयर किया गया है। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर ये जमीन है, जिसके ऊपर कमांडर साहब बैठकर सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत लोगों को सबलीज कर देते हैं, और कुछ सर्टेन पॉइंट के हिसाब से कमांडर साहब को ये जमीन दी गई थी, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का लेटर नंबर है। रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद ने 3rd फ्लोर सिविक सेंटर ठंडी सड़क हैदराबाद में 20/12/2018 को ये जो लेटर नंबर है, मैं अगर चाहूं तो RD/SBCA/HYD रजिस्ट्रेशन NOC/ADV जामशोरो 11/2018, मैं चाहूंगा ये लेटर का नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर,
और यहां से आपको पता चल जाएगा जो केस लगना है वो इन तीनों लोगों पे लगना है। जब तक आप इन तीनों लोगों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आपका केस जो लगना है, जो नोटिसेस आपने देने हैं, इंशाल्लाह इनके नोटिसेस कल निकाल दिए जाएंगे। और फिर भी अगर उन्होंने जो हमारे साथ एक फ्रॉड किया गया जिसमें हमें नहीं बताया गया, और आप जब इस लेटर को पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे साथ नहीं सबके साथ ही हुआ है फ्रॉड। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स एट द स्कीम कमांडर सिटी जामचोरो फेज वन मेजरिंग 50 एकड़ के ऊपर ये थी, जिसके ओनर्स मिर्जा हामिद महमूद बेग और फरीदुल्ला खान साहब थे, ये दो उसके ओनर्स थे। इस पूरे लेटर के ऊपर ढूंढे हुए आपको, इस पूरे लेटर पे ढूंढे हुए आपको कमांडर जाकिर, जो आज की तारीख में पूरी कमांडर सिटी हाईजैक कर चुके हैं, उनका नाम ढूंढे नहीं मिलेगा, जिन्होंने कोई 5,000 रुपए का एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था। टोटल पावर ऑफ अटॉर्नी जो लिया गया था वो 5,000 रुपए का लिया गया था। उस 5,000 के कागज के टुकड़े पर उन्होंने हमारी पूरी किस्मतें उजाड़कर फेंक दी। व्हाट अ वंडरफुल गेम ऑफ फ्रॉड, एक बहुत बड़ा गेम फ्रॉड का खेला गया, जो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे लिया गया था। और उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के 3 पेजेस हैं, 1,000, 2,000, 2,000, टोटल 5,000 के ऊपर आपकी मेरी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चली गई। अच्छा, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाई गई थी, ये मैं आपको बता दूं कि कमांडर बिल्डर एंड डेवलपर ने शुरू से जो कंपनी बनाई, वो जो कंपनी बनाई थी उसका नाम रखा एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी बनाई थी। ये ऑप्शन होता है लोगों के पास, तो उन्होंने सिंगल मेंबर कंपनी बनाई, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि सिंगल मेंबर कंपनी बनाने से जो उनके पर्सनल एसेट हैं, यानी वो सामने बैठेंगे, तमाम पैसे डबोने के बाद, तमाम चीजें बर्बाद करने के बाद, पूरे कराची का पैसा लगाने के बाद, वो सामने से इस तरह करके आपके सामने बैठा करेंगे। और वो सिंगल मेंबर कंपनी है, जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सिर्फ आप उनको उसके लिए हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। बट हां, जिस वक्त आप ये साबित कर देंगे, और ये साबित हो जाएगा, कोई कमाल की बात नहीं है कि भाई इन्होंने फ्रॉड किया था, उस वक्त उनके पर्सनल एसेट लायबल होंगे। यानी जब आप उन पर, जब तक ये क्लियर कट फ्रॉड का केस साबित नहीं करेंगे, जो कि इस पेपर से साबित हो जाएगा, तब तक आपका पैसा कभी नहीं निकलेगा। और कमांडर साहब, मैंने कहा ना, यूं करके सामने से बैठा करेंगे और कहेंगे बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो डेवलपर था, ये ओनर तो ये दोनों लोग थे, मैंने तो 1 करोड़ रुपए से वो कंपनी शुरू की थी, 1 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ होगा, बस ये छोटे मोटे अमाउंट से शुरू की होगी। और वो उस टोटल अमाउंट के लगाने के बाद अरबों खरबों रुपए उठाकर बैठ चुके हैं। मरे से मरा एक एक्सपो के अंदर 50 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़ का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है एक एक बार में। और एक छोटी सी कंपनी बनाकर, उसका छोटा सा ओनर, सिंगल मेंबर कंपनी बनाने का मकसद ये था कि ना आप उनकी बेटी को, ना आप उनके बेटे को, ना आप उनके दामाद को, ना उनके पोते को, ना पोती को, आप किसी और को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। बल्कि जब तक फ्रॉड आप साबित ना करें, जो कि किया गया है, तब तक आप इनके पर्सनल एसेट, 10 गाड़ियां इनके नाम पर जा चुकी हैं, जिसकी बुनियादी वजह कंपनी के नाम पर ये क्यों नहीं लेते चीजों को, ताकि जब भी ये पूरा गेम वाइंड अप करें, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री का, तो पता ये चलेगा कि आपके सामने कमांडर साहब चौड़े होकर बैठा करेंगे और बोलेंगे कि जाओ कर लो जो करते हो। बट इस एनओसी को पढ़ने के बाद, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी सिंस बिगनिंग जानती थी कि जब तक ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा। और मैं आफरीन भेजूंगा इन ओनर्स पर कि या तो ओनर्स भी ये बात जानते थे कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी इस शख्स के नाम पर दे दो तो जैसे तैसे ये बेचे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं सबको ये बात पता थी, ओनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन द होल गेम। और हकीकत में तो ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई, एक पावर ऑफ अटॉर्नी तो जब चाहे वो कैंसिल कर दे। और उसको भी जब आप पढ़ेंगे, अभी पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैं इस वीडियो में आपको पढ़ के बताऊंगा एक एक पॉइंट, तो मैं पॉइंट वाइज पढ़ना शुरू करता हूं। पॉइंट नंबर 1 कहता है,
एनओसी इज बीइंग इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड लेआउट प्लान इश्यूड बाई नंबर एसडीए ऑब्लिक एमपी ऑब्लिक पीएनडीसी पीएचएस 35/2018 जामचोरो डेटेड 30/4/2018 को एनओसी जामशोरो से इन लोगों ने एसडीए जामशोरो से हासिल की थी और ऊपर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद का एड्रेस है जो लेटर में आपको रीड कर रहा हूं. पॉइंट नंबर टू डेवलपर शेल सबमिट दी प्रिंटेड ब्रोशर्स विद इन 30 डेज. डेवलपर कमांडर बिल्डर का रोल सिर्फ एक डेवलपर का था, ओनर कोई और है, ये डेवलपर है. तो ओनर और डेवलपर में जमीन आसमान का फर्क होता है और वो उस हद तक रिस्पॉन्सिबल है जो 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने, मेरे ख्याल में उससे भी कम अमाउंट लगा के, वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. जब आप मालूम करेंगे सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती तो मैं समझता हूं 10-20 लाख में उन्होंने उस जमाने में कंपनी खोल ली होगी. वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इन्हें शुरू से मालूम था कि मैंने जो गेम खेलना है वो लपेट कर अपनी पुश्तों को नवाज शरीफ जरदारी की तरह हमारे एक्सपेंस से अरबपति खरबपति करके गायब हो जाना इनको एग्जैक्टली पता था. बल्कि इन्होंने गायब भी नहीं होना, नवाज शरीफ जरदारी की तरह यूं करके सामने बैठना है कि बताओ क्या हुआ, फिर क्या हुआ जो ये कहते हैं. अजान के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं. अच्छा, ये लास्ट एक्सपो भी जो हुआ था, मैं एक बड़ा पॉइंट यहां पे बता दूं कि लास्ट एक्सपो जो हुआ था उसमें बसें भर भर के डायरेक्टली वहां पर गई थी, जिसकी बुनियादी वजह मुझ जैसा कोई सरफिरा इनके गले आया होगा जिसने पैसे लेकर चुपचाप चला गया होगा, उसने किसी को बताया ही नहीं होगा. तो इसीलिए जो लास्ट टाइम भी एक्सपो हुई है वो इन्होंने वहां पर की है, क्योंकि अदालत में जब भी केस लगेगा कि ये तीनों मैं तीनों की तरह से पहले नाम पढ़ के बता दूं, उसके बाद वो उनके एड्रेसेस पढ़ दूं, उनके सीनआईसी नंबर वगैरह जो इन्होंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बिना पर कमांडर साहब ने अपने आप को ओनर समझना शुरू कर दिया, जबकि आज भी ओनर्स वही हैं जो ओरिजिनल ओनर्स हैं. एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी 5,000 रुपए के टोटल पेपर पर इनको मिली, जिसकी बिना पर 1.5-2 करोड़ रुपए तो एक एक बंदे के घर करवा दिए इन्होंने. सर सबसे पहले मोहतरम जनाब मिर्जा हामिद महमूद बेग सन ऑफ मिर्जा इशरत महमूद बेग मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 138/4 स्ट्रीट नंबर 10 खयाबाने बुखारी फेस 6 डीएचए कराची होल्डिंग 42101-344-5188-7. ये पहले ओनर हैं. और मैं आपको बताऊं जिस वक्त आप लोग ये, मैं बिल्कुल क्लियरली एक बात तो समझ गया हूं, मैं आज आपको बता दूंगी जितने बिल्डर्स होते हैं जब आप इनका पास्ट उठाएंगे तो वो गुर्बत होगी और जैसे ही पैसे आएंगे तो मलीर कैंट में या डीएचए में जाके शिफ्ट हो जाएंगे. ये बड़ा क्लियर सी बात है, इसके अंदर कोई कमाल नहीं है कि हर हर बिल्डर का जो पास्ट होगा वो हमेशा आपको गुलिस्तान जौहर का, गुलशन इकबाल का, नाजिमाबाद का, एसबी एरिया का, और जब पैसा आ जाता है तो फिर ये लोग मलीर का, औरंगी का, इस तरह के इनके पास्ट होते हैं. और उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो सबसे पहले ये लोग डिफेंस पहुंच जाते हैं और वहां पर वो स्टाइल बर्गर स्टाइल में घूमना शुरू कर देते हैं, मलीर कैंट में शिफ्ट हो जाते हैं. दूसरे ओनर है जी फरीदुल्ला खान सन ऑफ सईद उल्ला खान मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ 5-स्टार लग्जरी अपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 14 गुलशन इकबाल होल्डिंग एनआईसी 42201-08705663. ये साहब भी कराची के हैं जिन्होंने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी. तो इन दोनों लोगों ने, जो मेनली ओनर्स हैं इस जमीन के जहां पे कमांडर सिटी आबाद है, ये दोनों कराची के हजरात हैं जिन्होंने तीसरे साहब को सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी 5,000 रुपए टोटल उस पर, जिसके ऊपर एक कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड मालूम कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए के अंदर टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उन्होंने. उस अमाउंट के वो जिम्मेदार है, बाकी वो डबोकर बोलेंगे सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं जा रहा हूं. 5,000 टोटल अमाउंट लगा है जिसके ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए की पेपर, ये वही जो हम लोग रोते हैं कि जी स्टैंप पेपर नवाज शरीफ का 65 रुपए के स्टैंप पेपर पे वो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम करके चला गया. कानून हमारे साथ मजाक करता है या ये लोग कानून के साथ मजाक करते हैं, बट आप देखेंगे ये ओपन एंड शट केस होगा जिसमें सीधा से अल्फाज में बताया जाएगा कि भाई कराची के ऑफिस में बैठ के कराची के नाम पर कराची की फाइलों पर विदाउट इन्फॉर्मिंग मटीरियल फैक्ट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का पेपर मिला है उसके हिसाब से
पॉइंट नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर फोर ये कहता है, पॉइंट नंबर फोर ये कहता है, इन केस ऑफ एनी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स द एनओसी अप्रूवल विल बी ट्रीटेड विदड्रॉन सस्पेंडेड विदाउट एनी नोटिस. तो ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हैदराबाद में दिया था वो नोटिस ही, अगर कोई ये समझता है कि कराची की जगह जामशोरों में या हैदराबाद में, भाई जिस वक्त इन लोगों ने झूठ बोला, जिस वक्त इन्होंने अपनी फाइल्स के ऊपर कराची प्रिंट किया, जामशोरों का वर्ड नहीं लिखा, जिस वक्त अलॉटमेंट पे जामशोरों नहीं लिखा, उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद की तरफ से दिया हुआ लेटर सस्पेंड हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया. एक फैक्ट एंड फिगर हमारे हाथ में जरूर आया, बट जैसे ही उन्होंने झूठ बोलकर माल को बेचा, दैट इज कैंसल्ड. ये कई आपको जो वकील, जब भी कोई वकील लड़ने लगता है उसके पास पैसे आ जाते हैं बिल्डर की जानिब से तो वो पीछे हट जाता है. भाई ये लेटर इटसेल्फ, सिर्फ उसने, इस लेटर ने दो काम किए. इस लेटर ने पहला आपको ओनर आइडेंटिफाई करवा, अच्छा इस लेटर ने दो काम किए कि एक आपको ओनर्स आइडेंटिफाई करवा दिए कि भाई ओनर्स ये लोग इसके ओनर्स हैं, और साथ में ये बता दिया कि जिस वक्त उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स करनी थी तो ये जो लेटर है इसमें जो एनओसी उनको दी गई है वो कैंसिल हो जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. पॉइंट नंबर फाइव, इन केस ऑफ एनी वायोलेशन डेविएशन ऑफ द फैक्ट्स एनओसी अप्रूवल विल बी सस्पेंडेड विदड्रॉन. तो ये लेटर ही एसबीसीए ने उसी वक्त विदड्रॉ कर लिया. उन्हें हकीकत में मालूम था कि बगैर मिसरिप्रेजेंटेशन के, बगैर फैक्ट्स को छुपाए ये चीज बेची नहीं जा सकती, तो उन्होंने इसकी एनओसी दे भी दी. और जैसे ही उन्हें एग्जैक्टली मालूम था कि कराची वालों से पैसा कैसे लोगे, जाम चोरों का बता के ले ही नहीं सकते. तो यहां से ये बात वापस कराची पहुंच जाती है कि ये तीनों लोग कराची के हैं. ये लेटर सस्पेंड हो जाता है जैसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि 4x4 पॉइंट नंबर सिक्स कहता है 4x4 फुट का एक नोटिस बोर्ड लगाना था मटेरियल इंफॉर्मेशन के मुतालिक. तो क्या ये मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कमांडर सिटी जामशोरों में बनने जा रही है, जिस वक्त आपने वो छुपाया उसी वक्त कमांडर सिटी की एनओसी कैंसिल करा पाती है इस लेटर के हिसाब से. Amenities, the developer shall follow the decision of anomaly committee and instruction of the authority. Owners की instructions और SBCA की instructions को सुनना है तो commander city बाकी बचेगी. अगर owners की और SBCA की instructions को नहीं सुनना तो commander city का वजूद ही नहीं है, कोई legal वजूद नहीं है. तो developer है ये commander साहब, he is not the owner. Amenities shall not be misused in any circumstances. Amenities को commercial purpose के लिए बड़ा clear Supreme Court भी बता चुका है और सिंध हाई कोर्ट भी बता चुका है कि भाई amenities को आप misuse नहीं कर सकते. उसमें एक बड़ा मोटा सा point मैं आपको बता दूं कि amenities में आप जो ये आज की तारीख में park बना, ये जो इन्होंने park के अंदर चीजें बनाई हुई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये पार्क में अलाउ नहीं है. ये आपको पता होना चाहिए. नॉट अ सिंगल कमर्शियल एक्टिविटी इज अलाउड ऑल ओवर सिंध. जब एक सिंध हाई कोर्ट नोटिस निकालता है तो वो तमाम जगहों पर एप्लीकेबल होता है. सिंध हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट मौजूद है कि आप एमिनिटीज को कमर्शियली इस्तेमाल नहीं कर सकते. कमांडर सिटी का पार्क कमर्शियली इस्तेमाल होता है. सर अगेन कमांडर सिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है आपने. पॉइंट नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो मैं बीच में आपको बता दूं. The developer shall submit the printed brochure within 30 days. तो वो ब्रोशर देखना पड़ेगा उन्होंने जो जमा किया. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बताऊं,
पॉइंट नंबर 15 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 15 है जो अभी तक वायलेट हुआ हुआ है कमांडर सिटी में। और जब तक आप SBCA के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ओनर्स एंड द डेवलपर और उनके बाद जो लोग रेजिडेंट्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी इलीगल हो जाती है। पॉइंट नंबर 15 क्या कहती है, 80 फिट रोड मस्ट बी रिजर्व एज पब्लिक रोड प्रोवाइडिंग अप्रोच टू द लैंड प्रोजेक्ट लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की बैक साइड पे, यहां तो जमीन 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 की जंग लड़ रही है, मुझे आप वो 80 फुट की रोड बता दें जी, मुझे वो 80 फुट की रोड बता दें जो इन्होंने रिजर्व रखी हुई हो कमांडर सिटी की बैक पर। एक पब्लिक रोड शाराए आम कहते हैं उसको, जहां पे जनरल पब्लिक, कुछ लोग गोठों में रहते हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लावारिस हैं, कुछ के पीछे गांव गोठ हैं, एक नई आबादी बन रही है, आप उनका रास्ता कैसे काट सकते हैं। 80 फुट की रोड होनी चाहिए कमांडर सिटी की बैक से। मैंने दोनों तरफ पलट पलट के देख लिया, मुझे आज तक वो रोड दिखाई नहीं दी। काइंडली आप लोग मुझे बताएंगे कि वो 80 फुट की रोड कहां से जाती है जो आगे पीछे जो दूसरी दुनिया में लोग यानी कमांडर सिटी के पीछे रह रहे हैं, मुझे आपने बताना है। सर ये पहली बात हो गई, अब हम उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर लेते हैं। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर लेते हैं, जिस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ये पूरा गेम प्लांट किया गया और इसीलिए ये केस 3 लोगों के अगेंस्ट होगा। 2 मेन ओनर्स हैं, वही ओनर्स हैं, हकीकत में वही ओनर्स हैं जिन्होंने, एक साहब DHA में रहने लग गए, दूसरे मलीर कैंट में रहने लग गए, तीसरे भी कहीं रह रहे होंगे भाई। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और मेरी तरफ से आप हैदराबाद में लगाओ, जामशोरों में लगाओ, जहां दिल करे लगाओ, बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जब किसी के साथ फ्रॉड होगा तो फ्रॉड का केस कराची में लगेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज इन्होंने अपने ऑफिस में आवेदन नहीं की थी, अपनी फाइल पे कुछ लिखा नहीं था। तो ये ओनर्स जिन्होंने इनको किस खुशी में पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, ये सोचना पड़ेगा ना, मुझे क्यों नहीं दी। मुझे तो आज तक किसी ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी कि भाई आप जाएं और मेरे बिहाफ पे, मेरे कई बिल्डर दोस्त हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ और हमारे बिहाफ पे लोगों को सबलीज दिया करो, लोगों से पैसे लिया करो, लोगों को कराची बोल बोल के जामशोरों बेचा करो, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दी। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग इन बिटवीन दीज टू ओनर्स एंड मिस्टर जाकिर। अच्छा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में भी बड़ी अहम चीज लिखी गई है, ये जरा सा पॉइंट बता दूं मैं आपको। एग्रीकल्चरल लैंड है ये जी, ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उन दोनों ने, मोहतरम मिर्जा हामिद महमूद बेग साहब ने, जो कि सन ऑफ मिर्जा इशरत महमूद बेग है, इनके खिलाफ डेफिनेटली नोटिस भेजा जाएगा इनको भी। इसके बाद मोहतरम हमारे फरीदुल्ला खान हैं, सन ऑफ सईदुल्ला खान हैं, इनके एड्रेसेस मौजूद हैं, CNIC मौजूद है, इनको नोटिस करवाए जाएंगे। और मिस्टर मोहम्मद जाकिर जो कि SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठे हुए हैं, सिंगल मेंबर कंपनी इन्होंने सिंस बिगनिंग बनाई है, इसमें किसी और का, जब भी आप किसी और पे केस करेंगे कमांडर सिटी में कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर जो कमांडर बिल्डर के डेवलपर हैं, जो चेक उन्होंने लिए, जो अकाउंट खुला होगा, जिस अकाउंट में हमारे पैसे गए हैं, वो मिस्टर मोहम्मद जाकिर का है, वो कंपनी अकाउंट मिस्टर मोहम्मद जाकिर के नाम पर होगा, उसकी साइनिंग अथॉरिटी, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी है, वो मिस्टर मोहम्मद जाकिर हैं, सन ऑफ साई मोहम्मद मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 429 स्ट्रीट नंबर 5 अस्करी 5 मलीर कैंट कराची। तो ये पूरा लूटने वाले भी कराची के, लूटने वाला भी कराची का। हाँ, ये एक अलग बात है कि भाई हमने लूटा तुम्हें जामशोरों में जाके, बट कराची ऑफिस में आपने पेमेंट ली थी, कराची के अकाउंट में ली थी, कराची बताकर ली थी, तो अब तुम चाहे वो मरी में मुझे जमीन दो बाद में या कहीं पर भी दो, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे हाथ में बाद में आए हैं। जिस वक्त तरीका वारदात, जब कहानी उतर रही थी
ये तो लीज के बाद लोगों को मिलेंगे, लीज से पहले तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो इन तीनों पर जब तक केस नहीं किया जाएगा तब तक फायदा नहीं होगा। मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये जो सब लीज थी ये इनको किस तरह की पावर देती है, ये थोड़ा सा एक बात हो जाए ना जरा सा। अच्छा सर, ये बात पे साबित होता रहेगा कि कमांडर साहब ने इनको इस्तेमाल किया या ओनर्स ने कमांडर साहब को इस्तेमाल किया, ये चीज बाद में आती रहेगी और ये अदालत में बैठकर डिस्कशन हो जाएगी। बट हमारे पैसे जो गए हैं वो कमांडर सिटी के अकाउंट में गए हैं और उन दोनों ओनर्स को घसीटना इसलिए जरूरी है कि कल को ये कह दें कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने तो SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, तो फिर पैसा कौन देगा? तो फिर वो ओनर्स पैसा देंगे जो पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दे बैठे थे। तो भाई 5,000 रुपए हमारे पास भी थे, 5,000 रुपए की टोटल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, हमारे हाथ में दे देते, हम भी एक SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठ जाते, हमें क्या प्रॉब्लम थी? कब बनानी है SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कब बनानी है? मैं इन दोनों ओनर से, बेग साहब से और ये जो दूसरे हैं फरीदुल्ला खान साहब से गुजारिश करता हूं कि भाई हमें भी इस तरह कोई सेटअप बना के दे दें जिसके अंदर हमारे भी जो मकानात हैं वो डिफेंस में बनना शुरू हो जाएं। बट तब भी गरीबों को लूटना, गरीब तो नहीं है हम लोग, बट तब भी किसी का माल लूटना, सिंध वालों का माल लूटना, कराची वालों का माल लूटना, कहीं से भी मैं समझता हूं हकायक बताए बगैर तो बहुत ही गलत हरकत है। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं टू लेट आउट होल और पोर्शन ऑफ आवर सेट प्रॉपर्टी, वो दोनों कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, वो खुद लिख रहे हैं, ओनर्स खुद लिखकर दे रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो फिर इनका जो डिसीजन था कि वो कह रहे हैं जी मैं लोगों को निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अब हम किसके पास जाएं और किसके साथ फरियाद करें? तो इसीलिए इन लोगों को पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं टू लेट आउट होल और पोर्शन ऑफ आवर सेट प्रॉपर्टी एंड लेंट टू टेनेंट एंड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम हिम एंड टू रिसीव एनी मनी थ्रू कैश और चेक। तो मैंने तो इसीलिए बैंक में लिया, कैश तो दिया नहीं, जो कैश देगा कमांडर सिटी में आंसुओं से रोएगा वो, ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है टू साइन ऑल दी पेपर्स, एप्लीकेशन, एफिडेविट, अपील, प्लेंटिव, रिटन स्टेटमेंट, रिवीजन, वकालतनामा, रिसीट एंड टू प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट अथॉरिटीज एंड ऑफिसर कंसर्न एंड टू गेट प्लान अप्रूव्ड एंड टू गेट सैंक्शन। वाटर, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, टेलीफोन कहां है? इलेक्ट्रिसिटी कहां है ओनर साहब? ना ये आज तक सुई गैस ला सके हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी ला सके हैं, ना पानी ला सके हैं, ना टेलीफोन लाइन ला सके हैं, ओनर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसीलिए। एंड टू गेट ओनरसी फ्रॉम SNBR कंसर्न अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फला फला, टू सेल, एक्सचेंज, मॉर्गेज, चार्ज, एग्जीक्यूट, कन्वेंस, डीड, सेल डीड, मॉर्गेज, ओरल गिफ्ट, लीज डीड, रेक्टिफिकेशन, टू टेक लोन फ्रॉम HBFC एंड टू रीपे लोन एंड टू मेक रिडेम्पशन डीड एंड टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम HBFC, तमाम कामों का उन्होंने 5,000 रुपए के अंदर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कमांडर साहब को दे दी, जो अब वो कहते हैं कि मैं मालिक कुल हूं। तो इसीलिए इन ओनर्स को भी पकड़ना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने किस ख्वाहिश के तहत, क्या है अंदर का गेम? अब ये तीनों बताएंगे इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि ये वीडियो भी आएगी, क्योंकि कमांडर साहब इज अ डेवलपर, दे आर दी ओनर। तो हमारा पैसा तो खैर भाई हमारे हाथ पे रखो, हम अपने रास्ते जाएं और तुम लोग बनाते रहो, लोगों को बनाओ, जम के बनाओ, जिस तरह दिल में आता है बनाओ। और आखिर में मैं उन तीनों के बस वो साइन वगैरह दिखा दूं, क्योंकि बस पढ़ते जाओ और शर्मिंदा होते जाओ, एक अलग ही पता नहीं कौन सा इस दुनिया में SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में बनती है, सिंगल मेंबर कंपनी SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दुनिया में 200 से ऊपर ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान है जहां पर SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। तो कमांडर साहब को एग्जैक्टली पता था कि मैं एक दिन तमाम लोगों का पैसा बर्बाद करने के बाद सामने से यूं करके बैठूंगा और बोलूंगा भाई जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसीलिए आज भी वो जो गाड़ी लेते हैं, जो मकान लेते हैं, वो अपने नाम पर लेते हैं, एक रुपया भी कोई उनसे रिकवर नहीं कर पाएगा, ये ध्यान में रखना। बट हुआ, हम सबके साथ फ्रॉड है, ये इन सबके बारे में आप देख लें जी, यहां पे आप इन सबके नंबर देख सकते हैं, CNIC देख सकते हैं और इन लोगों के नाम देख सकते हैं कि दो वो ओनर हैं, बेग साहब और फरीदुल्ला खान साहब ओनर हैं और ये डेवलपर हैं। ही इज नोबडी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। इनको नोटिस करवाए जा रहे हैं इन सबको,
पैसे तो अपने निकालने पड़ेंगे इन सबसे, दो बंगले हलाल की कमाई के थे और तब भी किसी को एतराज हो, 85 लाख रुपीज, 90 लाख रुपीज आज की तारीख में देगा केसेस में जाने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मिनिमम साइड पे भी अगर एक बंगले की, क्योंकि शुगर हमें हो जाए, ब्लड प्रेशर हमें हो जाए, तो भाई तुम लोगों के बंगले बनाने के चक्कर में, तुम्हें डिफेंस में पालने के चक्कर में, तुम्हारा बेटा बाहर पढ़वाने के चक्कर में हम क्यों बर्बादी लेंगे, दैट इज द मेन गेम। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह इन तीनों को नोटिस करवाए जा रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं केस नंबर के साथ, इंशाल्लाह इन पर केसेस भी किए जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो बेग साहब, कमांडर साहब और फरीदुल्ला खान साहब तैयार हो जाएं, आप तमाम को नोटिस पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह कल की तारीख में बतौर TCS, और फिर आप लोग इंशाल्लाह केसेस में भी आएंगे। और बस अपना ख्याल रखना है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।